अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्से के आगाज़ में अली जद अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो, फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अर्थुरस अब मर्गिन के करीबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। सिपाही बिगल बचाता है। अली जग सुनकर कहता है वो जासूस के पीछे है, हम वापस जा रहे हैं। ये कहकर वो पीछे हटने लगते हैं। बामसी और उसके सिपाही लगातार अली जग के सिपाहियों पर तीर बरसा रहे थे। दूसरी तरफ अर्थुरस साहब अली जग के सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे। इस तरह बहुत सारे मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्थुरस साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं जल्दी से मर्गिन को खोलो। फिर सिपाही मर्गिन की रस्सी खोलकर उसे नीचे उतार लेते हैं। फिर अर्थुरस साहब पूछते हैं क्या तुम ठीक हो मर्गिन। मर्गिन कहते हैं मैं ठीक हूँ सरदार, मैंने राज नहीं बताए। अर्थुरस साहब कहते हैं परेशान मत हो मर्गिन, मैं जानता था इसलिए मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। दुमरुल तुम मर्गिन को लेकर यहाँ से जाओ, हम बाकी मंगोलों को खत्म कर आते हैं। ये सुनकर दुमरु मर्गिन को उठा लेता है और वहां से चला जाता है, जबकि अर्थुरस साहब बाकी मंगोलों को मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में बच्चे नहर में खेल रहे थे, लेकिन आइबरस परेशान हालत में ऊपर बैठा हुआ था। सावची उसके करीब जाकर पूछता है क्या बात है भाई आइबरस। आइबरस कहता है तुम जानते हो सलजान खातून ने मेरी वालिदा के साथ क्या किया है। सावची पूछते क्या किया है सलजान खातून ने। आइबरस कहता है उन्होंने सब औरतों के सामने मेरी वालिदा की बेइज्जती की और उन्हें यहाँ से जाने का कहा। सावची कहते हैं सलजान खातून परेशान हालत में है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, जब औरतें परेशान होती वो ऐसा ही करती हैं। तुम परेशान मत हो।
आइब्रिस कहता है, मैं कैसे परेशान ना हूँ, सजार खातम पहले भी ऐसा करती रही हैं, और एक दफ़ा उन्होंने अर्तुल साहब को कत्ल करने की भी कोशिश की थी। साफ़ी कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, अपनी हद अबूर कर रहे हो, अपनी जबान को काबू में रखो, मैं सरजान खातून के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। इतने में वहाँ सरजान खातून आ जाती है और कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। इतने में हिफ्ज़ा खातून और सिरमा खातून भी उनकी तरफ बढ़ती है। सरजान खातून कहती, क्या हुआ है आइब्रस? आइब्रस कोई जवाब नहीं देता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर साची सरजान खातून को बताता है कि ये आपसे नाराज़ है क्योंकि आप इसकी वालदा से गुस्से से चिल्लाई थी। ये सुनकर सरजान खातून कहती, हिफ्ज़ा खातून ये तुम क्या कर रही हो, क्या अपने बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर रही हो? हिफ्ज़ा खातून कहती है, मैं सुकून रखना चाहती हूँ सरजान खातून, मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती आपसे। दूसरी तरफ बामसी और उसके सिपाही मंगोलों पर तीर बरसा रहे थे। इतने में एक मंगोल सिपाही भागता हुआ आता है और कहता, हम इनके गोरों की तरफ जाएंगे, हम इन्हें भागने नहीं दे सकते। ये सुनकर बामसी कहता है, सिपाहियों ये हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, चलो इनका पीछा करते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थरू साहब और उनके सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे। फिर अलीजक और उसके सिपाही उन्हें घेरे में ले लेते हैं। अलीजक कहता है, ये शेर का ठिकाना है, यहाँ जो भी आता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अर्थरू साहब अपने दिल में कहते हैं, तुम कहाँ रह गए हो बामसी? फिर अरबास्ती यानी बिबोरत कहता है, मेरी तलवार तुम लोगों से रंगीन हो जाएगी। अलीजक कहते हैं, आखिरी चीज़ जो हलागू खान मुझसे लेगा वो तुम लोग के सर होंगे। बिबोरत कहते हैं, तुम लोग के खेल ख़त्म हो चुके हैं। बिबोरत कहता है, ये मेरी तलवार देख लेते हैं वो बच नहीं पाते। अर्थरू साहब अपनी आवाज़ तब्दील कर कर कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें मौत देने जा रहा हूँ। इतने में अलीजक कहता है, हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान दुमरुल और दो सिपाही घोड़ों के पास पहुँच जाते हैं। इतने में मंगोल उन पर हमला कर देते हैं, फिर वो सारे मंगोलों को मार देते हैं। इतने में मजीद मंगोल और आ जाते हैं और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्थरुल और उसके सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान गुंदौज और अलीजक आमने सामने आ जाते हैं, जबकि अर्थरुल साहब और बिबोरत आमने सामने हो जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही तेजी से मरगन की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में बामसी वहां पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों के साथ उन पर तीर बरसाने लग जाता है। फिर बामसी करीब आकर पूछता है, मरगिन कैसा है? दुमरुल कहता है, कमांडर बामसी मरगिन बिल्कुल ठीक है। औगज अल्प कहता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं कमांडर बामसी, लेकिन अर्थरू साहब ने आपको कहा था कि आप अलीजक के पीछे जाएंगे, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये गलीस घोड़ों की तरफ बार रहे थे। मलिक शाह कहता है, अलीजक और उसके सिपाही वापस अर्थरू की तरफ पहुँच गए हैं, अर्थरू साहब की जान खतरे में है। बामसी कहता है, मलिक शाह तुम मरगिन को लेकर कबीले जाओ, हम अर्थरू साहब की तरफ बढ़ते हैं। ये कहकर वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थरू साहब और अरबास्ती आमने सामने थे। अलीजक गुंदौज पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। अर्थरू साहब की तवज्जो गुंदौज की तरफ हो जाती है। इतने में भी बोरत उस पर वार कर देता है और तलवार उनके सीने पर रख देता है और कहता है, मैं देखे बगैर किसी को नहीं मारता। इस तरह अर्थरू साहब जख्मी गुंदौज को लेकर वहां से चला जाता है, जबकि अलीजक और बिबोरत बच जाते हैं, लेकिन बिबोरत का बाजू जख्मी हो जाता है। फिर उनके जाने के बाद अलीजक कहता है, वो तादाद में कम थे लेकिन फिर भी वह यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं, चलो उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थरू साहब और उनके सिपाही घोड़ों के करीब पहुंच जाते हैं। अर्थरू साहब गुंदौज से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो गुंदौज? गुंदौज कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान मत हो। बामसी कहता है, हमने मरगिन को कबीले पहुँचा दिया है हजूर, लेकिन अर्थरू साहब कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो बामसी से नाराज थे। अर्थरू साहब कहते हैं, सिपाहियों हमें फौरन कबीले जाना होगा। ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ अलीजक और उसके सिपाही पहुँच जाते हैं और हर तरफ मंगोलों की लाशें देखकर अलीजक बहुत परेशान हो जाता है। अलीजक कहते हैं, इससे आगे वो घोरों पर गए हैं। विबोरत कहता है, अब हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। ये सुनकर अलीजक सख्त गुस्से में आ जाता है और चीखने लगता है। अलीजक कहते हैं, ये तुमने मुझे क्या सजा दी है एंग्री? बिबोरत कहता है, सुकून रखे कमांडर, जो होना था वो हो चुका है।
अली जग कहता है बरके खां के लोग उस जासूस को बचाकर मुझसे ले गए हैं और सारे खत लागू खां के अर्तुरुल के पास हैं। अली जग कहता है परेशान मत हो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तुम ठीक कह रहे थे बिबोरत। बिबोरत कहते तुमने तो कहा था इस जगह को कोई भी नहीं तलाश कर सकता, तो फिर उन्होंने इसे कैसे ढूंढा? अली जग कहते हैं दरग्योश, या तो उसे पता नहीं चला या तो उन्हें खुद लेकर आया होगा। बिबोरत कहते हैं तो अब आप क्या करेंगे? अली जग कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मौजूद गंदगी को खत्म करूंगा। दूसरी तरफ सिरमा खातून और बिलगी खातून और रिवजा खातून बाजार आई हुई थी। सिरमा खातून कहती है बाहर आई हुई है, हमें शोक रंग के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। इसी दौरान हिफ्जा खातून बहुत परेशान थी। ये देखकर सिरमा खातून उसे सरजान के खिलाफ और भड़काती है और कहती है सरजान तुमसे जलती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है। इसी दौरान सरजान खातून भी बाजार में मौजूद थी और उन तीनों को इकट्ठा देख रही थी। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी नावल है, जो हमारी स्टोरी है, और वो आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी का या इस ड्रामे का या इस नावल का जो नाम है वो है जाने ना। तो आज हम आपको किस्त नंबर 1 और किस्त नंबर 2 और किस्त नंबर 3 और किस्त नंबर 4 आपको बताएंगे किस किस्त में क्या क्या होता है। चलिए हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो इस किस्त के आगाज़ में यानी कि फर्स्ट किस्त में, कैसे है मेरी अम्मा, वो बहुत महीनों बाद गांव आया था और उसकी अहम वजह फरियाल थी। उसकी अम्मा बहुत दिनों से तबरेज़ खान बाबा उसे फ़ोन कर रहे थे कि वो अपनी माँ को देखने आ जाए, लेकिन पढ़ाई में वो इस तरह बुरी तरह मसरूफ़ था कि आज कल करते करते दो माह यूँ ही गुजर गए। जैसे इम्तिहान ख़त्म हुआ पहली फुर्सत में माँ को देखने पहुँच गया। डॉक्टरी की तलीम थी भी इतनी मुश्किल कि उसे मुकम्मल वक्त दिए बिना उसका गुजारा भी नहीं था। आ गया मेरा जर्क, मिल गई तुझे फुर्सत, फरियाल ने बामुश्किल आंखें खोलकर नहीं सी आवाज़ में कहा। घुटों की तकलीफ ने गोया उनकी सारी जिस्मानी कुव्वत को ख़त्म कर दिया था। वो चेहरा जो बेहद शादाब और खिला खिला रहता था, अब वो तकलीफ़ के बाइस मुरझा चुका था। बस अम्मा आपको तो पता है पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन अब मैं आ गया होना तो बस आपकी एक नहीं चलने देनी, आपको शहर ले जाकर पूरा इलाज करवाना है। वो बेफिक्री मंदी से उनके थामे बाग पीछे करके थाम माथे पर बोसा लेते हुए फिक्रमंदी लहजे में बोला, नहीं बेटा, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी के दिन रखे हैं वो मैं अब अपने घर से दूर अस्पताल में रुक कर नहीं गुजारना चाहती। मेरा इलाज अब किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वह मुश्किल बोल पड़ी थी, सांस बार बार फूल रही थी। तुझे बार बार बुलाने की बस एक ख़ास वजह थी, उनकी आवाज़ सरगोशी माँ थी। जी अम्मा, वो भी हिमातन कोश हुआ, तुझसे एक छोटी सी इल्तजा है, मैं नहीं जानती कि तू मानेगा या नहीं, हो सकता है सुनने से ही इनकार कर दे, लेकिन फिर भी उस वक्त तेरे अलावा कोई और ऐसा नज़र नहीं आता कि जिससे मैं ये इल्तजा कर सकूं। बाकी भाई तेरी मर्जी, तो बस इंसान के नाम पर दब्बा है इस माशरे के अहम मर्द, मगर जक तो बेटा तो सबसे मुख्तलिफ है। जैसा मैं तुझे बनाना चाहती थी तो वैसा ही बन गया। औरत को अज़म करने वाली नरम खूब, उन्होंने फ़ख्र से अपने खूबरू बेटे को देखा। क्या शलवार कमीज पहने, डार्क ब्राउन चादर कंधे पर डाले, घने बाल सिल्की और हल्की सी ब्राउन धारी में उसका सफ़ेद रंग कुछ चमक रहा था। अम्मा प्लीज़ आप हुक्म करें, मैं आपके कभी किसी फैसले को रद्द नहीं किया, आप बस बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। मैं सिर्फ हुक्म चलाती हैं, अच्छी लगती हैं। उससे मोहब्बत से उन्हें देखते उनका हौसला बढ़ाया। देख बेटे, मैं नहीं जानती मेरी कितनी ज़िंदगी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तू वो मुश्किल बोल पड़ी और शदीद फांसी ने चक्कर लिया। अम्मा वो परेशानी से उन्हें देखता पानी का गिलास भरकर उनके मुंह के पास लाए। बेटा मैं नहीं चाहती, तू
खनसा को अपने निकाह में ले गई। फयाल की बात पर वो कितने लम्हे ताकत बैठा रहा। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये फयाल क्या कह गई थी। कुछ लम्हों बाद खुद पर काबू पाकर उसने बात का आगाज किया। अम्मा प्लीज इतना बड़ा मजाक ना करें। आखिर उसे कहना पड़ा, बेटा किसी की बेटी के मामले में मैं इतनी बड़ी बात मजाक में नहीं कर सकती। इसलिए कहा था कि ये इल्तिजा है। मैं नहीं जानती कि मेरी मेरी ये आखिरी सांस मुझे मजीद कितनी मोहलत देती है, मगर मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले उसे कोई महफूज और मजबूत साहबान दे दूँ। अगर ऐसे ही मर गई तो न जाने कौन कौन उस पर घात लगा बैठेगा। मेरे होते तो कोई उसे तेरी नज़र से नहीं देख सकता, मगर मैं जानती हूँ तेरे भाइयों समेत तेरे कजन हत्ता के चाचे ताए उसको शिकारी की निगाह से देखते हैं, मगर सब तो सबसे अलग है। इसलिए मैंने ये ख्वाहिश की। उनकी आवाज़ में दर्द और तकलीफ थी खनसा के लिए। वो जानता था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर वो कैसे खुद से 13 साल छोटी बच्ची से निकाह कर लेता, जिसे रिश्ते तक का पता नहीं। ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा होती। फिर उसमें और उस हवेली में रहने वाले बाकी अजर्ट मर्दों का मैं क्या फर्क रह जाता। अम्मा प्लीज ये मेरे बस में नहीं। मुझे इतने मुश्किल काम के लिए मत कहें जैसे मैं कभी तबाह ना कर बना ना सकूं, बेबसी से बोला। अम्मा ने किस कदर मान से कहा था, बेटा जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मैं जानती हूँ तुझसे बहुत छोटी है, मगर मैं चाहती हूँ कि उससे निकाह करके बस उसे किसी तरह हवेली की इस कैद से निकाल ले जा। फिर चाहे तो उसके साथ ना रखना, उसे लिखा पढ़ा कर खुद मुख्तार बना देना, मगर यहाँ से निकाल कर ले जा। मैं उठ नहीं सकती वरना तेरे पाँव पकड़ लेती। अब प्लीज़ अम्मा क्यों गुनाहगार कह रही हो। फरियाल को टोकते हुए उसने बेबसी बालों में हाथ फेरा। काश वो कभी हवेली ना आती, काश खनसा के वालिदैन का कार एक्सीडेंट में ना मारे जाते। काश काश कितने बहुत से काश उसके जहन में उभरे। कल तक जिस लड़की को छोटी बच्ची समझता आया था, बहन का दर्जा देता था, उसे यह कदम अपनी बीवी बना लें। चाहे निकाह फक्त कागजी हो, आखिरी तो उसकी हैसियत बदलेगी। सख्त को लगा कुछ इन कुछ लम्हों में उसके दिमाग में रगे फटने लगी। जक जक की तवील होती खामोशी सबक फयाल आवाज डाली। जी अम्मा, वो मुश्किल से बोला, बेटा जबरदस्ती नहीं है, बस एक इल्तिजा है। नहीं भी मानेगा तो मैं कौन सा मनवा कर छोड़ूंगी। बस अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ इस गरीब के लिए कि वो किसी दरिंदे के हाथ ना चढ़े। आगे उसकी किस्मत, वो ठंडी आह भर कर बोली। कुछ लम्हे की खामोशी कमरे में छा रही थी। जर की खामोशी फयाल को तकलीफ दो चार कर रही थी। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं किस नंबर 3। जाने ना तो कि किस नंबर 3। बोले हुए वो आंखें मूंद गई। कब निकाह करना है? जकी आवाज पर वो हैरत आंखों में समोए आंखें खोल कर खुशी और मसर्रत से मिले जुले तासुरात समेत उसे कहने लगी, तो सच कह रहा है? लरजती आवाज में वो बामुश्किल बोल पाई। जी, मुख्तसर जवाब देकर उसने सर झुका लिया। होंठ बिचने एक चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया। आज शाम ही न जाने उन्हें किस बात की जलती थी। जख ने अब की बार कुछ कहने के बजाय बस सर इस्तबाक में हिलाया। तब्रेज़ खान और फयाल दोनों मियाँ बीवी थे जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरस्तान के एक गांव से था। तब्रेज़ खान के 3 भाई और 3 बहनें थीं। सब बीवी बच्चों वाले अपने घर बार के थे। ये लोग उस इलाके के सरदारों में से थे। गांव पर उनकी हुक्मरानी थी। सब मर्द एक जैसी हकमाना सोच रखने वाले थे, सिवाय एक जर्क के, वो शुरू से पढ़ाई का शौकीन था। तबरेज और फयाल के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों में सिवाय जर्क के ज़ईफ और नौफल दोनों बाप के नक्श कदम पर थे, जबकि बहनें मरजाल और जमर्द वहाँ की आम लड़कियों की तरह महकमों की सी
जिंदगी गुजार रही थी। फयाल की छोटी बहन जस्तशाह भी तब्रेज शाह के कजन के साथ रह गई थी। फरियाल और जताशा बस दो ही बहनें थीं। जताशा की शादी के कुछ अरसे बाद खनसा की पैदाइश हुई थी। अभी खनसा 4 साल की भी नहीं हुई थी कि एक दिन शहर से गांव आते हुए जताशा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जताशा और उसका शौहर तो मौके पर ही ख़त्म हो गए, जबकि नन्ही जताशा को चंद एक छोटी सी चोट लगी। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी थी, लिहाजा वो बच गई और तब ही फयाल उसे अपने घर ले आई थी। अपनी बेटियों के साथ साथ उसकी भी वैसी ही परवरिश कर रही थी। उन्हें कभी कभी तो खनसा अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यारी हो जाती। वो थी भी ऐसी गुड़िया सी सुर्ख सफ़ेद रंगत, उस पर ग्रे ग्रे आँखें, और उन बच्चों में से थी जिन पर खुद बहुत प्यार आ जाता है। उसकी ही खूबसूरती फरियाद को दिन रात टकरता लगाए रखती थी। जब छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई की शौकीन में घर से दो हॉस्टल में रहता था, लिहाजा वो खनसा के साथ बस एक बहन और कज़न की हैसियत से ही सलूक रखता था। मगर उसके बड़े भाई खनसा पर बुरी निगाह रखते थे, हालांकि दोनों ने दो दो शादियां कर रखी थी। उसके बावजूद वो खनसा पर नज़र रखे हुए थे। इसके अलावा भी उनके ख़ानदान के बहुत से मर्दों की नज़र उस मासूम पर थी। अभी तक तो फरियाल ने उसे अपनी ममता की छांव में छुपा रखा था, मगर उन्हें डर था कि अगर वो जिंदा ना रह पाए तो खनसा रुल जाएगी और वो अपनी बहन को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगी कि उनके हीरे की वो हिफाजत भी ना कर सके। बस उन्हें सोचों ने घबरा कर उन्होंने एक फैसला किया और वो मुतमईन हो गई। मगर जर का सारा इत्मीनान उनके फैसले ने छीन लिया था। और वो जो हमेशा अपनी हवेली की गलत रवायतों पर आवाज़ उठाता था, उनकी नफ़ी करता था, आज खुद उसका हिस्सा बन चुका था। जब जब उसके भाइयों ने औरतों की इज्जत पमाल की, उसने हमेशा आवाज़ उठाई और आज एक वो बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर रहा था। कल तो एक मशहूर सर्जन बनने वाला शख्स दुनिया को क्या बताएगा कि उसके माजी में किसी की मासूमियत और बचना गंदी हरवायतों ने फेंचा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका अपना था। उसका दिल क्या वो अभी उस वक्त यहाँ से भाग जाए। लेकिन कभी कभी रिश्ते पाँव की जंजीरों में बंध कर आपको इस तरह इस बुरी तरह जकड़ लेते हैं कि आप जितने मर्जी हाथ पाँव मारें, उनके शिकंजे से आप नहीं निकल पाते। जब के साथ भी इसी लम्हे यही हो रहा था। फरियाल ने सबको यही कहकर निकाह करवाया था और जक और खनसा की शादी की ख्वाहिशमंद है। औरत की ख्वाहिश तो उस हवेली में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। अगर फयाल ये कहती कि ये उनकी ख्वाहिश है, तो यहाँ के किसी मर्द ने उनकी एक न चलने देनी थी। लिहाजा उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और जक को भी सख्ती से कह दिया कि वो भी इसी बात पर कायम रहे। जब तब्रेज ने जक के से इसके फैसले की तस्दीक चाहे, तब उसने सरास्तवा कबूल कर लिया। इस हवेली में ये मर्दगाने के जमरे में आता था। आगे है किस नंबर 4। अरे मेरा शेर भी बड़ा हो गया है, देखा हमारा खून है, आहर कुछ तो असर दिखाना था। मेरी जान जो मांगने का मिलेगी, ये छोड़ी तो कुछ भी नहीं। जब ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। इंसानियत के नाम पर दबा थे ये अल्फाज जो उस वक्त उसके बाप के मुंह से निकले थे। एक इंसान को बेजान शेय समझकर बड़े फख्र से कहा जा रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं। काश वो कुछ कह सकता, मगर उसकी माँ के अल्तजा ने उसके लब सिए हुए थे, लिहाजा वो खामोश ही रहा। शाम में उनके हवेली में एक मुजम्मा लगा हुआ था। सब कजन इकट्ठे थे, बहुत से हैरान थे कि जख ने ना सिर्फ इतना बड़ा फैसला कर लिया, बल्कि दिन के शॉर्ट नोटिस पर शादी करने के हुक्म भी दे डाला। और वो सब जो खनसा पर गांठ लगाए बैठे थे, और वो ये समझ दे कर जल रहे थे। जब को इस वक्त ना किसी की हैरान नजरें नजर आ रही थी और ना ही हसद आँखें। वो उस वक्त अपने वो सब अल्फाज याद कर रहा था जो मुख्तलिफ स्पीचेस के दौरान स्कूल और कॉलेज के ज़मानों में उसने छोटी उम्र की शादी के खिलाफ बोले थे। वो सब अल्फाज निकाह नामे की जगह उसकी आंखों से आगे कश कर रहे थे।
जख्त तब्रेज खां आपको खनसा जरियाब बिनते जरियाब शाह अपने निकाह में कबूल है। मौलवी के मुंह से निकलने वाले ये चंद अल्फाज जब को किसी ताजियाने की तरह अपनी रूह पर तड़पते हुए महसूस हुए। बहुत मुश्किल से धूप निकल कर उसकी आंखें मुरझाई और उसने कहा कबूल है। इस तरह जबरे बीचे उसके निकाह नामे पर साइन किए। एक आग उसके अंदर लगी हुई थी। हर कोई उसे मुबारकबाद दे रहा था जबकि उसका दिल किया कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए। दूसरी जानब खनसा को मासूम मालूम ही नहीं था कि उसका उस गरीब के साथ चंद लम्हों में किस्मत के क्या खेल खेल रही थी। बस वो ये जानती थी कि खाला आज बहुत खुश थी। उसे कितनी देर साथ लपटाए हुए वो चुमती रही। खाला ऐसे क्यों कर रही हैं? बिल आखिर खनसा ने घबरा कर पूछ ही डाला। खनसा तो अब जब के पास रहेगी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस अंदाज में बताए उसका और जग का रिश्ता अब क्या बन चुका है। जग लाला के साथ शहर में, वो खुशी से चहकते हुए बोली, हश्त, अब वो तेरा लाला नहीं है। उन्होंने जल्दी से उन्हें खामोश करवाया। जग जो सबसे फारग होकर माँ के पास आ रहा था, दरवाजे खोलते ही उसके कानों में माँ आखिरी जुमला पड़ गया। क्या कह रही हो माँ? क्यों? उसके छोटे से दिमाग को खराब कर रही थी। अंदर आते ही वो बोला, नागवारी से माँ देखा, बोला। खंसा को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब जाओ यहाँ से, नजरें झुकाए वो खंसा कैसे मुखातिब हुआ। खंसा वैसे भी जग के लिए दिए अंदाज से हमेशा घबराती थी। वो शुरू से उसके साथ बेतकल्लुफ नहीं था, बस कभी कभार आते जाते उसका हाल पूछ लेता, मगर उसे जग अपनी जहानत और डॉक्टर बनने की वजह से बेहद पसंद था। वो यहाँ के सब लड़कों से मुख्तलिफ नरम और धीमे मिजाज का था। उसका दिल करता था कि काश वो जग की तरह पढ़ाई कर सके। खर्चा बहुत जहीन थी, करीब के स्कूल से बमुश्किल थोड़ी सी पढ़ाई की थी क्योंकि वो लोग औरत की तलीम के सख्त खिलाफ थे। ये भी जग की मेहरबानी थी कि उसने ज़बरदस्ती करके अपनी बहनों को थोड़ी बहुत तलीम दिलवा दी थी। अवली में जो किताबें जग के कमरे में मौजूद थी, खनसा उनको उन सबको पढ़ती थी। गो के बहुत से तो इंग्लिश नावल्स थे जिनको वो पूरी तरह समझ तो ना पाती, मगर फिर भी वो हर मतलब उन्हें पढ़ने की कोशिश ज़रूर करती थी। फिर उन्हें कॉपी करके सब से छुप कर इंग्लिश लिखती भी थी। जग उन सब बातों से बेखबर था क्योंकि ये सब खनसा उनकी गैरमौजूदगी में करती थी। अरे खनसी, तुझे पता है तू लाला की दुल्हन बन गई है। जग की बहन मरजान जो खनसा से 6 साल बड़ी थी और शादी जैसी चीज़ को उससे बेहतर समझती थी, पुरजोश अंदाज में माँ जी के कमरे से निकलती हुई खनसा को हाथ से पकड़ कर एक जानब ले जाती है तो बोली, अरे पागल, मैं कैसे उनकी दुल्हन हो सकती हूँ? वो तो मेरी लाला है। खनसा नहीं मासूम जहन को ये बात नागवारा लगी। वो खुद तो जग की बहन ही तसव्वुर करती थी और फिर वो थी भी इतनी छोटी। उफ, तुझे पता नहीं, अभी मौलवी साहब आए थे और वो तुझे उनकी दुल्हन बना के हैं। वो सर पर हाथ मारकर खनसा की सोच पर मातम करते हुए बोली। उसी असना में उसे किसी ने आवाज़ दी, डाली मुरजान तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी जबकि खनसा वही गुमसुम खड़ी थी। खनसा रोजाना की तरह फयाल की टांगे दबा रही थी और फयाल परेशान थी ये सोच सोच कर के जग के साथ ज्यादती कर गई। शाम का निकला वो अभी तक घर नहीं आया। ये एहतजाज था या फिर हालात से फरार वो समझते समझने से कासर थी। एक गहरी सांस खींच कर वो सोचो के गर्दाब से निकली तो नज़र सर श्याल के हाले में लिपटे उस चांद पर पड़ी जो बेखबर मासूम के अपने काम में मगन थी। खनसा न जाने की सोच के तहत वो उसे आवाज़ दे बैठी। जी वो तब बोली, बेटा आज तू जग के कमरे में सोना। फरियाल की बात पर वो हैरत से मुंह खोले उन्हें देखने लगी। क्यों खाला? उसकी जान सूखे पत्ते की तरह लरजने लगी। वो तो उसके साए से भी दूर भागती थी तो जब उसके कमरे में, बस मैं ये कह रही हूँ ना, फजूल के सवाल ना क्या करो, वो टप कर बोली। आप सबको क्या हो गया है? अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मैं उनके कमरे में क्यों सोऊँ? क्या मेरा बेड अब वहाँ लगवा दिया गया है? वह हैरत से निकल नहीं पा रही थी अपने मासूम और कच्चे जहन के मुताबिक।
वो बस यही सोच रह सकी। हाँ लगवा दिया है, बस अब से सब बंद कर ओम के कमरे में जा। उन्होंने जल्दी से उसे वहां भगाया। मगर खाला जग लाला तो मुझे कच्चा चुबा जाएंगे, उन्हें तो मैं अच्छी भी नहीं लगती, तो मैं उनके कमरे में कैसे जाऊं। अच्छी भली मुरजान लाली लाली के कमरे में सोती थी। पता नहीं आपको क्या सूझी, वो रहारती लहजे में बड़बड़ाई। फरियाल आंखें मूंदे पड़े थे, उन्होंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जानती थी तो तुझे कुछ भी कहा तो वो सवाल पे सवाल उठाती जाएगी, और उसके पास फिलहाल इसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इतना यकीन जरूर था कि दर्क अब तरीके से उसे हैंडल कर लेगा। किस नंबर 5। कमरे में जाने से पहले वो मरजाल के पास गई। जग लाला आगे हैं क्या, आहिस्ता आवाज में उसने उसके किए जाने वाले सवाल पर मरजान का दिल किया कि अपना माथा पीट ले, फिर सब्र की गूंज पिया। नहीं, अब आइंदा से किसी और के सामने लाला मत कहना, पागल कहीं की, मरजान सच होकर बोली। खनसा के खफगी से उसे कहा, फिर कुछ बोले बिना खामोशी से जर कमरे की जाना पड़ेगी। शादी चूंकि रवायती अंदाज में नहीं हुई थी, लिहाजा उसे रवायती अंदाज में उसके कमरे की जाने कोई लेकर भी नहीं गया था। ख्याल ठीक होते तो उसके सो जाओ करती। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर भी की थी, मगर जब ने इस कदर सख्त लहजे में सब करने से मना किया था। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को भी खनसा को रवायती अंदाज में दुल्हन बनाकर उसके कमरे तक पहुंचाए। कि जग को के नरम हो था, मगर जब वो अपनी टिकाने पर तो वेलकम अद भी उसके सामने चू नहीं कर पाता। इसने एक मरतबा कह दिया सब सादगी से होगा, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे। वो ये भी जान गया था कि खनसा के हकूक अपने नाम महफूज किए बिना वो किसी को इस पर जुल्म करने नहीं दे सकता। वो जिस कदर तेजी से सब खनसा को उसकी बड़ी उम्र की कजन में से किसी के साथ ठिकाने लगाने की सरगर्म हो रहे थे, उन सबको देखने के बाद उसने माँ के आगे फिर चूँ चूँ बिना की, मगर ये सब उसके लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था। खनसा जानती थी कि जो वो हवेली में मौजूद नहीं, उसके बावजूद वो डरते डरते जग के कमरे में दाखिल हुई। खाला और साफ सुथरा कमरा देख कर उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि आज जग ज्यादा देर अपने कमरे में रहा भी नहीं। मगर ये देख कर उसे हैरत का झटका लगा कि वहाँ सिर्फ एक ही बेड मौजूद है, और जो जग के ही जेर इस्तेमाल था। खाला ने तो कहा था यहाँ मेरा बेड भी लगवा दिया है, वो हैरत से सोचती सोचती हुई अब शिवपनी में थी कि अब अंदर ही रहे या बाहर जाकर किसी से पूछे। अभी वो कुछ सोच भी ना पाए थे कि कमरे के बाहर राहत महसूस हुई। उसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे रह गया। तेजी से दिमाग दौड़ाते वो वहां पर बनी लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप गई। कमजोर सी थी लिहाजा उसके छुपने के लिए थोड़ी सी जगह भी बहुत थी। दम साढ़े थोड़ा सा सर पाए किए वो दरवाजे के, थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलकर तक अंदर था। वो थर थर कांप रही थी कि कैसे जर्क के सामने आए। कुछ देर तो जर्क वही खड़ा खाली नजरों से अपने कमरे को देखता रहा, फिर चुपचाप बैठ की जानू बढ़ा, कैच कर जैकेट उतारी, फिर जूते उतारे ही रहा था कि हल्की सी घंटे की आवाज कमरे में बनी किताबों की अलमारी की तरफ से आई। हैरत से मैं कोई मैं पीछे देखा तो उस तेजी से अलमारी पर नजर आ रहा। कौन है, उसे सबसे कहा। खनसा जो उसे देखने में मगन थी अपने मुड़े पाँव को सीधा किया था कि वो अलमारी के साथ जोर से लगा। जल्दी से दर पीछे किया, मगर फिर भी जक देख चुका था। वो तेजी से आगे आया और ये देख कर हैरान रह गया कि खनसा आंखें बंद किए वहाँ खड़ी थी। यहाँ क्या कर रही हो, वो जितना भी हैरतजदा होता कम था। इसके साथ निकाह करते ये बात गुमान में नहीं आई थी कि खनसा उसकी बीवी की हैसियत से उसका कमरा शेयर करेगी। बाहर जाओ, जब उसने कोई जवाब ना दिया तब वो गुस्से से उसे बाहर आने का कहने लगा। खनसा आंखें बंद के नफी में सर हिलाया, चेहरा पर बोया उड़ी हुई थी। बाहर आती हो या एक लगाऊं, वो जान गया था कि नरमी की जुबान फिलहाल वो नहीं समझेगी। लिहाजा गुस्से से बोला,
वो डरती डरती बाहर आई, यहाँ क्यों छुपी थी? फिर से रोकदार आवाज में पूछा। खाला ने कहा था वो अपनी अक्ल के बाइस इतना ही कह सकी। खाला ने यहाँ यहाँ छुपने को कहा था? उसने अछुपने से बोला। नहीं मतलब आपके कमरे में आने को कहा था। कसम से लाला मैं नहीं आ रही थी। उस हाथ करती हूँ जिस तरह से वो मासूम के अंदाज से लाला कह गई थी, वो अंदाज सब कुछ चीर कर रख दे। मुस्कुराते लब फिर से सफर रहे, छोटे छोटे बातों पर कसम नहीं खाते और इधर उसका हाथ पकड़ कर सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। वो बहुत परेशान थी। देखो खानसा, हमने जो एक पेपर साइन किया था ना, उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और उसी वजह से मैं आपको हमेशा अपने साथ रखूंगा, चाहे हम यहाँ रहें या शहर में। आपने मेरे साथ रहना है, जैसे पक्के वाले दोस्त होते हैं वैसे ही, जो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। और उसी दोस्ती की वजह से आप मुझे सिर्फ मेरा नाम लेकर बुलाओगी, लाला नहीं कहोगे, नहीं तो मैं आपसे दोस्ती छोड़ दूंगा और बाबा आपको जमान लाला के हवाले कर देंगे और वो अपनी हवेली का सारा काम आपसे करवाएंगे और आपको मारेंगे भी। जब नहीं जानता था कि वो उसे उस वक्त संता से क्या कह रहा है, वो बस ये जानता था कि व्यक्ति की तरह उसे मासूम जहन के मुताबिक इस रिश्ते से बुलाया जाए। आप इतने बड़े हैं, मैं कैसे आपका नाम लूँ? हंसा तो बाकी बातें तो समझ आई ही नहीं, मगर ये बात बड़ी अच्छे से समझ आ गई थी। क्या मैं तो चाहता हूँ कि आपको दोस्त बनाकर शहर ले जाऊँगा, फिर अब वहाँ आपकी स्टैंडर्ड शुरू करवा दूंगा, मगर आप तो जाना ही नहीं चाहती। जक ने जानबूझ कर उसे ब्रीफ किया और वो उसके अलावा और अजीब से रिश्ते को किसी तरह खंसा के समझ भी नहीं सकता था, तो इस वजह से आगे किसने बताया तो वो बहुत सारा हाँ तो वो बहुत ज़्यादा मासूमियत से बात कर रही थी। तो आगे हम किस नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। वाकई में यहाँ आप मुझे पढ़ाएंगे? वो खुशी से बिहार होते हुए बोले। कितनी ख्वाहिश थी उसकी लर्स के जैसे ज़्यादा पढ़ने लिखने की। हाँ मगर आपको पहले मेरे साथ दोस्ती करनी होगी और जो मैं कहूँगा आपको मानना होगा, जक ने जक मान से बोला। जो कहेगी मानोगी? जक कहो आपको, वो जल्दी जल्दी बोली। वेरी गुड, जक ने सीख लिया, सुख का सांस लिया। उसे महसूस हुआ अंदर की घुटन थोड़ी कम हुई। ओके रात काफ़ी हो गई है, आप अब यहाँ लेट जाओ। जर्क बेड से उठते हुए इससे मुखातिब हुआ। लेकिन ये तो आपका बेड है, खाला ने कहा था मेरा बेड भी यहाँ होगा। लेकिन वो तो है ही नहीं, परेशानी से उसकी जानब देखते हो। जर्क अभी आप यहीं लेट जाओ, फिर हम कल शहर जाएंगे, तब मैं आपको एक पूरा रूम दूंगा जहाँ आप आराम से सोना। जर्क ने उसे फिर से बहलाना चाहा, मगर खंसा अभी भी शकोपन में मुबतला थी। इससे पहले कि कोई और नुक्ता उठाती, जर्क के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। जो जर्क चूँकि तेज़ी से बाहर की जानब लगा और दरवाज़े खोलने पर मरजान ने उसे जो खबर सुनाई, वो जर्क की पूरी हस्ती कहला कर रख देगी। मर्द मर्द होने के बावजूद उसका दिल किया को धारे मार मार कर। हंसा भी मरजान के रोने की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर हैरत आकर दर्द हो क्या हुआ है बेफिक्र। अम्मा अब हम में नहीं रही खंसा, उन्होंने हमेशा के लिए हमसे मुँह मोड़ लिया। खंसा का भी हाल तो आँखें खुली थी, वो जब रिश्ते महसूस हुए अपनी माँ को देखकर वो बहुत रोया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और जब बहुत से लोग खंसा को सिर्फ इसलिए अपनाने को तैयार थे कि उसका बाप उस लिए बहुत सारी जागीर ज़्यादा छोड़कर गया था, तो तब भी फरियाल ने उससे सब लालची और थे जिस लोगों से बचा लिया था। तब्रेज के बड़े भाई का बेटा जो 3 औरतें बगाता चुका था और अल्लाह ने उसे औलादें नहीं दी थी, आज का खंसा से ब्याह के चक्करों में था और ये सब कुछ चाहता। अगर एन उस वक्त लर्ज जर्क माँ की बात मानकर खंसा ने कान दिया, खंसा भी उसी बात से अनजान थी कि जर्क के साथ बंदे रिश्ते उसे उम्र भर उस पिसने से बचा लिया था। हवेली में सिर्फ मातम बच चुका था। यूं ही 2 दिन गुजरे, जर्क फौरन उसे पेशतर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर शहर रवाना हो गया। अगर मैं वो भी ये भी भूल गया था कि फरियाल
कि उस दुनिया के रुखसत हो जाने के बाद वो एक जीते जागते इंसान को खुद से बांध चुका था, जो अब उसी पर इंतजार करती थी। सखनसा खामोशी से अपने दोस्त को जाते देखती रह गई, जिसने 2 रातें पहले उससे कुछ वादे वईद किए थे। सब अपनी अपनी तकलीफ में मुबतला थे, लिहाजा किसी को ये कहने का ख्याल ही नहीं आया कि जर खर्चा को भी साथ ले आए। बहुत ज्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे? जो अभी कुछ देर पहले ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था थका हुआ, ऑफिस में कुर्सी पर नींद दराज, आंख में बंद मोड़ा तो मोबाइल की बेल ने चुका दिया। घर का नंबर देखकर वो भी चौंक गया था। तेजी से यह का बटन दबाया। दूसरी जानब आती मैं जान की आवाज़ पर वो फिक्रमंद था। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? वो यूं ही उन्हें प्यार से बुलाता था। मैं ठीक हूँ लाला, आप गांव कब तक आएंगे? जरा के सवाल का जवाब देकर वो क्या बात है, रहते माँ की मौत के बाद जो वो हवेली से आने वाली हर कार पर परेशान हुआ उठता था। नहीं लाला, खैर नहीं है, आप किसी तरह जंग को अपने साथ ले जाएं। ऐसा लगता है कि आप तो भूल ही गए हैं कि अम्मा की फात शेर दिल लाला ने आप पे हद कर दिया है। खलसा वाली शाम आपका उससे निकाह हुआ है। यहाँ कोई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उनकी हवेली ताई के बुलाने पर गई, उन्होंने उसे न जाने किस बात पर दग कर रख दिया। बाबा भी उसे हकारत भरी नज़रों से देखते हैं। प्लीज़ लाला, आप उसे यहाँ से ले जाए। मरजान ने जो कुछ सब को बताया वो सब इतनी दूर बैठे इसलिए सुनना है बेहद तकलीफ दा हो गया था। हाँ वाकई वो भूल गया था कि माँ के पास से कुछ समय पहले एक लड़की की उम्र भर की जिम्मेदारी उसने उठानी थी। तुम परेशान ना हो, मैं आज निकलता हूँ। बल्कि अभी मरजान को तसल्ली दिलाते साथ ही उसने फोन बंद करके बाहर की जाने भरा और अपनी कोलिक के डॉक्टर को घर में इमरजेंसी का कहकर निकल खड़ा हुआ। बाकी में आप मुझे पढ़ाएंगे। तो वो बाहर चला गया। रात के वक्त अपने पहाड़ी रास्तों पर सफर किया, बेहद मुश्किल से वहां पहुंचा। उसके सामने बस अपनी माँ की वो इल्तिजा थी जो निकाह के वक्त ना सिर्फ उसने होठों पर की बल्कि उसने पूरा वजूद उसके सामने इल्तिजा कर रहा था। वो खुद को पूरी तरह कोस रहा था। ये कैसे हो गया? वो क्यों भूल गया उस जीते जागते वजूद को, जिसको उस पर सुधा रस्मों से बचाने बचाने किए गए उसके तमाम सूखे हुए। उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। वो शाम का रास्ता जारी रही। सुबह फजर के जानों के वक्त वो घर दाखिल हुआ। मरजान को वो अपनी आमद के वक्त के बारे में बता चुका था। मरजान नमाज के लिए पहले ही बेदार हो चुकी थी। जर के हाल चाल पूछा तो बेहद संजीदा नजर आया। अजीब सा इज़तिराब था उसकी एक हरकत में। लाला कुछ खाएंगे? वो परेशानी से उसे देख रही थी। नहीं अभी लेटूंगा, मगर बाबा की जमीनों पर जाने से पहले मुझे उठा देना, सबसे मिलकर कुछ बातें करनी है। खनसा कैसी है? अब संजीदा अंदाज में उसने मरजान जाने देखते उस के बस ठीक है, आपके कमरे में ही लेटी हुई है। मरजान के कहने पर उसके चौंक कर बहन की जान देखा, फिर हनकारा पर लड़की बनी सीने पर मुर्दा मुर्दा कदमों से चलने लगा। अपने कमरे के सामने पहुँच कर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला कि कोई फंसा कि नींद खराब हो जाए। कमरे में अंधेरा था, नाइट बल्ब की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता कदम से चलना। बेड के करीब वो कम्बल में से बाहर मुंह काले लिपटी थी। न जाने रोशनी इतनी मधुम थी कि उसका चेहरा इस कदर सजा हुआ था कि वो कितनी देर फंसा को पहचान नहीं पाया। उसका खून खोलने लगा, किस बेदर्दी से उसका पीटा गया था। गाल और आंख पर नील के निशान बहुत वाजह थे। जर उसे देखकर कांप गया। किस तरह उस बच्ची ने उसे घटिया इंसान कई मार